नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रज्ञा इंगले है। मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। मैं वाशिम महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम जानेंगे फोबिया यानी डर के बारे में। डर तो हर किसी को लगता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, पर यह तब गलत है जब डर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए। फोबिया ये एक मानसिक बीमारी है, ये एक प्रकार का एंग्जाइटी प्रॉब्लम है। इसमें बहुत ज़्यादा डर लगता है किसी विशिष्ट चीज़ के बारे में, या फिर किसी विशिष्ट स्थिति के बारे में, या कुछ क्रियाओं के बारे में। और ये डर इर्रेशनल होता है, यानी निरर्थक होता है, जिसको कोई आधार नहीं होता है। और हमें पता रहता है कि ये चीज़ों से या स्थितियों से हमारे जीवन को कोई खतरा नहीं है, फिर भी हम उनसे डरते हैं। अभी हम देखेंगे कारणों के बारे में। पहला कारण है जेनेटिक फैक्टर्स। अगर फैमिली में किसी एक व्यक्ति को फोबिया है तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में ये विकार होने की संभावना बढ़ती है। अगला है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। दुख भरी घटनाएं किसी विशिष्ट चीज़ या स्थिति को लेके, या फिर ज़्यादा तान तनाव वाली स्थितियाँ, ये भी फोबिया को विकसित करने में मदद करती हैं। बहुत बार ब्रेन फंक्शनिंग में भी अगर कुछ बदलाव आते हैं तब भी फोबिया हो सकता है। अभी हम देखेंगे इनके लक्षणों के बारे में। इसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, जिसे हम फीलिंग ऑफ इंटेंस फियर बोलेंगे। व्यक्ति में एकदम ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, वो पैनिक हो जाते हैं, अचानक डर जाते हैं। अगर डर वाले किसी चीज़ या स्थिति के सामने आ जाए, या फिर उन चीज़ों के बारे में या स्थितियों के बारे में सोच भी ले, तो उनमें ये लक्षण आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जिस चीज़ से मैं डरता हूँ वो मुझे कोई भी हालत में टालनी है। और अगर कुछ कारणों की वजह से उन्हें स्थितियों में रहना पड़े तो वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, उनकी काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है। फोबिया में कुछ शारीरिक लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे पसीना आता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है, धड़कन तेज़ हो जाती है, मुंह सूख जाता है, रक्तदाब बढ़ जाता है, सिर में दर्द होने लगता है, मचलाहट होती है, चक्कर आने लगता है, गले में कुछ अटक गया है ऐसा लगने लगता है, पेट में डिस्कम्फर्ट होता है, बोलने में दिक्कत होती है। अभी हम देखेंगे फोबिया के प्रकार के बारे में। फोबिया के तीन प्रकार है, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया और अगोराफोबिया। स्पेसिफिक फोबिया, इसमें पर्टिकुलरली चीज़ का फोबिया होता है, जैसे आग का डर, पानी का डर, ऊंचाई का डर, खाई का डर, सांप का डर, स्पाइडर का डर। सोशल फोबिया, इसमें लोगों में जाने का डर होता है। व्यक्ति को सोशल सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बेचैनी होती है, या एक प्रकार का डिस्कम्फर्ट होता है। ऐसे सिचुएशंस में व्यक्ति को लगता है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मैं कुछ ऐसा ना कर दूँ जिससे मुझे शर्मिंदगी लेनी पड़े, या फिर कोई मेरा मजाक ना उड़ाए। अगोराफोबिया यानी फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, जहाँ भीड़ भाड़ है, काफ़ी लोग हैं, ऐसे लोगों में जाने से डर लगता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊँगा, यहाँ फंस जाऊँगा, इसे कहते हैं अगोराफोबिया। हर वक्त डर रहता है कोई भी चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रही है, ऐसा 6 महीने से ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम वो लाइफ नहीं जी पा रहे हैं जिसके हम हकदार हैं। अगर ऐसा कुछ हमें दिख रहा है तो हमें नज़दीकी मनोचिकित्सक की सहायता लेना ज़रूरी है। अभी हम देखेंगे फोबिया के ट्रीटमेंट के बारे में। पेशेंट के लक्षण और तीव्रता के अनुसार ट्रीटमेंट दिया जाता है। दो प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं, फार्माकोथेरेपी और साइकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी, इसमें पेशेंट को दवाइयाँ दी जाती हैं जिसकी वजह से उनका डर कम हो जाता है, और वो उन स्थितियों में भी अच्छे से काम कर सकते हैं जिन स्थितियों में वो पहले डरते थे। साइकोथेरेपी, इसमें पेशेंट को अलग अलग थेरेपीज़ दी जाती हैं। इसमें CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है।
इसमें जो इरेशनल फियर रहता है वो कम करने की या निकालने की कोशिश करते हैं। रिलैक्सेशन थेरेपी, इंडिविजुअल काउंसलिंग, ये भी पेशेंट को दिए जाते हैं। हमें उम्मीद है इस वीडियो द्वारा हम आपको फोबिया के बारे में बताने में सफल हुए होंगे। ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियों को लेके हम आपके सामने आते रहेंगे। बस आपको इतना करना है, हमारे वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।